हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल किचन कैबिनेट में। आज हम बनाने वाले हैं चाट की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और ये जल्दी से बन भी जाती है। इसकी सामग्री भी आपको घर पे ही मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कटोरी इमली का पानी, 4 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी ले लिया है। सबसे पहले हम एक बर्तन में इमली का पानी ले लेंगे और इसके उबाल आने तक इसे पकाएंगे। इमली को भिगो के उसका पल्प हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसे गाढ़ी होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी इमली गाढ़ी हो चुकी है। ये हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हरी चटनी के लिए यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन, 1 हरी मिर्च, थोड़े से धनिया, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी ले लिया है। इन सभी को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच जितना पानी। आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। अब इसे चटनी पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी चटनी बन चुकी है। इसका कलर देखिए कितना लाजवाब आ रहा है। ये चटनी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी दोनों चटनी कितनी लाजवाब लग रही है और टेस्ट में तो ये बहुत ही बढ़िया है ना। बिल्कुल आसान रेसिपी और जल्दी से बनने वाली। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे दही वड़े के साथ या किसी भी चाट के साथ खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी और मज़ेदार और नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।